नमस्कार दोस्तों, सुषमा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना गैस को जलाए गुलाब गुलकंद मोदक, जो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और आपने इससे पहले ऐसे मोदक नहीं खाए होंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं एक कटोरी नारियल का बुरादा डाल दूँगी। और यहाँ मैंने कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ ली हैं, जिसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। पंखुड़ियाँ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें बाज़ार का रेडीमेड कंडेंस मिल्क। अगर आपको ये बनाना है कि कंडेंस मिल्क कैसे बनता है, तो इसकी आप रेसिपी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे कि हमारा जो ये मिक्सचर है वो फोल्ड होने लगे, अच्छे तरीके से बनने लगे। थोड़ा सा और डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। देखिए यहाँ मैंने लिया है एक कटोरी गुलकंद, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मोड़ लेंगे और इसका एक बोल बनाएंगे मिक्सर का इस तरह से, और इसको हम मोल्ड में रखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। इस तरह से दबाते हुए शेप देंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से लगा लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुलकंद बीच में, थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। मोल्ड को बंद करेंगे, अच्छी तरीके से बंद कर देना है। एक्स्ट्रा को हम निकाल लेंगे इस तरीके से, और पीछे से इस तरह से दबा लेंगे अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा मिक्सर लगा लेंगे। अच्छी तरह से दबाएंगे इसको, मोल्ड को अब खोलेंगे। तो ये देखिए हमारा गुलाब गुलकंद मोदक बनके तैयार है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। इस तरह से एक और बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस करना है जैसे हमने पहले किया है मोदक बनाने के लिए। गुलकंद को डालेंगे बीच में, साइड में भी उसी तरीके से लगा लेंगे। बंद करेंगे मोल्ड को, एक्स्ट्रा को निकाल लेंगे और नीचे की साइड हम थोड़ा सा मिक्सचर और लगा लेंगे इस तरीके से, और उसको अच्छी तरह से दबा देंगे अंदर की साइड। मोल्ड को अच्छी तरीके से दबाएंगे। ये देखिए ये मोदक भी हमारा बनके तैयार है। तो इसी तरह से सारे बना लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने सारे बना लिए हैं। ये देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है मोदक हमारा, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।